अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फाइनल लुक की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए, हमने इसके ऊपर शेरवानी लगा दिया है और ये देख सकते हैं शेरवानी हमने इसका अटैच किया है और अटैच करने के बाद ये शेरवानी आपके सामने है। और पीस आप बिल्कुल देख सकते हैं, ना कोई इसमें सलवट है और ना ही ये खिंचाव है। ये देख सकते हैं बिल्कुल खिंचाव नहीं है, जहाँ इसको बिठाओ ये खुद ही बैठा हुआ है माशाल्लाह से। इसके ऊपर जब ब्लैक कलर के बटन लग जाएंगे तो इसकी मज़ीद और लुक में इजाफा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, जब आप शेरवानी लगाते हैं तो जो फ्रंट साइड होती है उसको खींचना नहीं है आप लोगों को। दोनों साइडों से जब आप शेरवानी को खींचोगे नहीं तो अपने तरफ खींचना नहीं है, उस तरफ आगे की तरफ धकेलना है। और धकेल के ये आप शेरवानी जब कट से कट फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसी आपकी लुक आएगी। जब आप पट्टी लगाने से पहले आप इसका हाफ बनाएंगे तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप, ये इसकी लुक आप खुद देखें। और माशाल्लाह से इसमें ना कोई हमारे पास कोई पैटर्न नहीं है, पैटर्न से हम काम नहीं करते हैं। बगैर पैटर्न से माशाल्लाह से ये पीस बैठा हुआ है। अक्सर मेरे जो प्यारे भाई हैं टेलर हजरात, वो पैटर्न से भी काम करते हैं। जब पैटर्न के हिसाब से वो काम करते हैं तो उनका शेरवानी लग कैसा बैठ जाता है। ये देख सकते हैं, ये आपके सामने है। मेरी गुजारिश ये है आप लोगों से कि आप जब मुकम्मल कमीज़ को जुड़ाई करने के बाद, साइड पॉकेट लगाने के बाद, जब आप इसका बीच में कुटका लगाते हो और फिर हाफ बनाते हो, उसके बाद जब ये शेरवानी अटैच करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि वो भी बहुत बुरा है, हर किसी का अपना एक मायार है। मैं जो काम करता हूँ इस हिसाब से करता हूँ जैसे मैंने कुछ सीखा है और अभी भी सीख रहा हूँ। ये आपके सामने है माशाल्लाह से, तो मैं तो इस तरीके से काम करता हूँ। और ये देख सकते हैं ना कोई सलवट है, और ये पाइपिंग भी हमने लगाई है। और आप थोड़ा सा महंगा होता है मटेरियल अच्छे काम करने के लिए, और कस्टमर को ये चीज़ें पता नहीं होती। जो काम करने वाले हैं उनको तो लाजमी पता होती है कि जर्मन क्या है, मास्टर क्या है, और उरूज क्या है, और दूसरे ब्रांड बकरों फ्यूजिंग वगैरह के नाम भी हैं। तो मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो जर्मन इस्तेमाल करता हूँ। तो आप अच्छे काम के लिए कम से कम जो इस महंगाई का आलम है, आप फिर भी जर्मन लगाया करें, इसकी बड़ी प्यारी लुक होती है। ये वॉश होने के बाद भी इसके अंदर जो बबल और सलवटें वगैरह आती हैं वो नहीं आएगी। शुक्रिया।